तो कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई ठीक चल रही है? अब ये जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, इसके अंदर हम लोग क्लास 10th मोल कंसेप्ट, क्लास 11th मोल कंसेप्ट के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जिन लोगों को कंसेप्चुअल थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, वैसे नहीं होगी मुझे लगता है, लेकिन इवन अगर किसी को प्रॉब्लम है रिलेटेड विद द कंसेप्ट ऑफ मोल, तो आप मैं आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन में कुछ लिंक्स दूंगा अपने ही वीडियो के, उसको आप देख सकते हैं। पूरा गैलुस्टॉक के ऊपर एक पूरा वीडियो बना हुआ है, उसको आप देखिए, काफी हेल्पफुल रहेगा। मोल कंसेप्ट के छोटे छोटे चीजों को लेकर कुछ 3-4 वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, तो वो आप देखिए, काफी आपको हेल्प करने वाला है। तो लेट्स टेक फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का हमारा मेथड वही है कि ऑन द स्क्रीन आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप पहले ट्राई करिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है ना? सो स्टार्ट वर्किंग। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गैलुस्टॉक लॉ? गैलुस्टॉक लॉ के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो, जैसा मैंने कहा, बना हुआ है। जिनको कंप्लीट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है कि गैलुस्टॉक लॉ कैसा न्यूमेरिकल आते हैं, किस तरीके से उसको लिखा जाता है, तो उसके लिए आपको आई बटन पे मिल रहा है आपको इस समय पर, तो उसको आप लिंक को देखिए, कंप्लीटली देखिए, बहुत हेल्प करेगा। फिलहाल हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं आपको गैलुस्टॉक लॉ होता क्या है इसका डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, और आपको इसको मेमोराइज करना है। तो डेफिनेशन है, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम which bear a simple ratio to one another and to the volumes of the gases volume of the gaseous product provided that all the volumes are measured under the same condition same conditions of temperature and pressure. So this is the definition which you have to memorize for Galusok law. एकदम सही definition है, और इसको जो detail अगर आपको अच्छे से समझना है इसको related, तो आप please उस वीडियो को देखिए जो मैंने आपको गैलुस्टॉक के ऊपर पूरा बनाकर दिया है, उसका लिंक आपको मिल चुका है, और मैं कोशिश करूंगा कि एंड स्क्रीन में भी इसको लिंक आपको मिल जाए। लेकिन ये डेफिनेशन अच्छे से याद करिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अभी हम करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे, लेकिन और इसको अगर एक्सप्लोर करना है तो आप उस वीडियो को प्लीज देखिए, ठीक? तो स्टार्ट करते हैं, ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। इसका डिटेलिंग मैं आपको बता चुका हूं, वहां पर आप देखिए। नाउ लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इथेन बर्न, ये गैलुस्टॉक के ऊपर ही बना हुआ क्वेश्चन है। इथेन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड H2O अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन लिखा है 2C2H6 प्लस 7O2 गिव राइज टू 4CO2 प्लस 6H2O। इफ 1250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, 1250 cc ऑफ ऑक्सीजन इज बर्न्ड विद 300 cc ऑफ इथेन, 300 cc सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेन, कैलकुलेट, पहला पॉइंट दिया है द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, कितना वॉल्यूम CO2 का बनने वाला है,
और सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन, तो कितना ऑक्सीजन इस रिएक्शन में बचा। ठीक है ना, एक बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आने लायक मुझे लगता है क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, यहां पर दोनों रिएक्टेंट के वॉल्यूम वाइज डाटा दिए हैं। जैसे जैसे अभी हम लोगों ने गैलुसॉफ का डेफिनेशन पढ़ा तो उस डेफिनेशन के अंदर बताया था कि वॉल्यूम को रिलेटेड वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का लेने वाले हैं। जैसे यहां पर है टू वॉल्यूम, दिस इज टू, टू मोल के लिए टू वॉल्यूम गैलुसॉफ ने बोला, ये सेवन वॉल्यूम, ये फोर वॉल्यूम। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं टू वॉल्यूम, यहां मैं लिख सकता हूं सेवन वॉल्यूम, और यहां मैं गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, यहां लिख सकता हूं मैं फोर वॉल्यूम वाटर, मे बी द लिक्विड, लिक्विड हो सकता है यहां पर वाटर, क्योंकि मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि ये गैस है, गैसियस स्टेट वाला है या लिक्विड स्टेट वाला है, इसलिए इसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। तो अब देखते हैं कि यहां पर इथेन के अकॉर्डिंग वन वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग वन वॉल्यूम की वैल्यू क्या है। याद रखिए वन वॉल्यूम की वैल्यू जो भी कम देगा दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए कैसे इसको हम करते हैं, यहां पर आप एक रफ वर्क देखिए, देखिए रफ वर्क हम यहां पर कर रहे हैं कि टू वॉल्यूम की वैल्यू 300 सेंटीमीटर, तो हम यहां देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू C2H6, अकॉर्डिंग टू C2H6 बोल रहा है कि टू वॉल्यूम की वैल्यू 300 सेंटीमीटर क्यूब है, टू वॉल्यूम इज इक्वल टू 300 सी, तो वन वॉल्यूम क्या होगा, वन वॉल्यूम होगा 300 अपॉन टू इज इक्वल टू 150 सीसी, ये होगा अकॉर्डिंग टू C2H6। अब अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन हमें क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू O2, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑक्सीजन कह रहा है कि सेवन वॉल्यूम की वैल्यू 1250 है, सेवन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1250 सीसी, तो वन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, वन वॉल्यूम 1250 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 7, कितना है इसको आप डिवाइड करिए 5 7, कितना बचा 5 7 6 0 8 point, यानी 78 point कुछ वैल्यू यहां पर आपको मिलने वाली है, 78 point समथिंग जो भी वैल्यू मिलेगी सीसी में, ये वैल्यू और इन दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों में से जो भी वैल्यू छोटी होगी फॉर वन वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप अच्छे से समझें इसको, वन वॉल्यूम C2H6 बोल रहा है कि वन वॉल्यूम इक्वल्स टू होना चाहिए 150, ऑक्सीजन बोल रहा है वन वॉल्यूम होना चाहिए 178 point कुछ वैल्यू इतना होना चाहिए, तो दोनों में से छोटा वैल्यू कौन हुआ, छोटा वैल्यू हुआ C2H6 का। इसका मतलब ये हुआ कि C2H6 एक लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब सिंपल सा ये आप समझिए कि C2H6 के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन हुई होगी, इसका मतलब C2H6 वाली बात आप मानकर अपने कैलकुलेशन को फर्दर प्रोसीड करेंगे। देखिए कैसे, तो वन वॉल्यूम की वैल्यू हम लोग 150 सीसी रखने वाले हैं, तो हम यहां पर करेंगे 2 × 150 cm³, 7 × 150 cm³, 4 × 150 cm³, तो ये वैल्यू आई 300, ये वैल्यू आई 1050 cm³, और ये वैल्यू आई 600 cm³। बात सही में आ गई। तो अब पहला पार्ट आपसे क्वेश्चन का जो बोल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में बोल रहे थे वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, तो आंसर इज 600 cm³ ऑफ CO2 फॉर्म, क्लियर। सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहे हैं, सेकेंड का पार्ट पूछ रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन, डेफिनेटली ऑक्सीजन क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट नहीं था, इसका मतलब ऑक्सीजन पूरा खर्च नहीं हुआ, ऑक्सीजन कुछ बचा, तो कितना बचा वो पूछ रहे हैं, टोटल था कितना आपके पास ऑक्सीजन 1250 था, तो वॉल्यूम ऑफ O2 लेफ्ट या अनयूज्ड बातें की है, तो टोटल था आपके पास 1250 cm³, खर्च आपने किया कंज्यूम किया, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट ऑलवेज कंज्यूम एंड प्रोडक्ट ऑलवेज प्रोड्यूस, तो आपने जो खर्च किया वो है 1050 cm³, इन दोनों का डिफरेंस हम लोग लेंगे तो इट बिकम्स
200 सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट कि 200 सेंटीमीटर क्यूब अनयूज्ड ऑक्सीजन बचा. बात समझ में आ गई. तो दिस इज द पैटर्न हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल फॉर गैलुस्टॉक लॉ. आप और क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, मुझे बताते रहिए, मैं लगातार आपको और क्वेश्चन देता रहूंगा. सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट इज प्रोड्यूस्ड. प्रोड्यूस हो रहा है अमोनियम सल्फेट NH4 फुल ट्वाइस SO4. कितना हो रहा है? 66 ग्राम. 66 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन सल्फ्यूरिक एसिड. अमोनिया ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन की और ये प्रोडक्ट बनाया. ठीक है ना? तो इसे लिख ले रहे हैं. राइट अ बैलेंस इक्वेशन. ये बैलेंस इक्वेशन तो हमने लिख ली, बहुत ही आसान थी. अमोनिया एक बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बना रहे हैं. सो राइट अ बैलेंस इक्वेशन एंड कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड. आपसे वेट पूछ रहे हैं, अमोनिया का मास आपसे पूछा जा रहा है जो इस रिएक्शन में रिक्वायर्ड है. ठीक है, कई सारे तरीके हैं इस टाइप की क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन आई एम यूजिंग द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व. और जो मेथड हम लोग मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग भी ठीक मानेंगे, उस मेथड को हम लोग यूज करेंगे. सबसे पहले रिएक्शन के अकॉर्डिंग मॉलिकुलर मासेस क्या है वो हम करते हैं. अमोनिया से पहले यहाँ पर 2 नाइट्रोजन होता है 14, हाइड्रोजन 1 3 जा 3, 14 प्लस 3 इज 17, तो 17 टू जा 34. तो यहां पर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अमोनिया मैं ले रहा हूं मास वाइज 34 ग्राम. यहां इसका मास दे रखा है तो इसका भी मैं मॉलिकुलर मास निकाल रहा हूं. कितना होगा? 14 प्लस 4 18, 18 टू जा 36, सल्फर का एटॉमिक मास 32 और ऑक्सीजन 16, 4 जा 64. सो इट बिकम्स इक्वल टू 132 ग्राम. यानी अकॉर्डिंग टू रिएक्शन इफ आई विल से 132 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 34 ग्राम ऑफ अमोनिया. अगर आप 34 ग्राम अमोनिया का यूज करते हैं रिएक्शन में तो देन यू आर एबल टू प्रोड्यूस 132 ग्राम. कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं अमोनियम सल्फेट? 34 से. तो यूनिटरी मेथड को ही आप प्रिफर करिए एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि वही ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड माना जाता है एग्जामिनेशन 10th बोर्ड में, स्पेशली 11th में भी उसको हम कहीं ना कहीं प्रिफर करते हैं. ज्यादा फॉर्मूले वगैरह, ऑल्दो नंबर ऑफ मोल के हम फॉर्मूले लगा सकते हैं, बट 10th में वो अलाउड नहीं है, इसको आप याद रखें. तो क्या करेंगे, सिंस 132 ग्राम अमोनियम सल्फेट प्रोड्यूस कर रहे हैं आप 34 ग्राम अमोनिया से, सो 66 ग्राम अमोनियम सल्फेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, 34 मल्टीप्लाइड बाय 66 डिवाइड बाय 132. यूनिटरी मेथड सभी को आता होगा. सो 66 टू जा 132, सो इट बिकम 17 ग्राम अमोनिया इज योर फाइनल आंसर. बहुत ही सिंपल रहा था ये क्वेश्चन, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करिए. सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1-1 मार्क्स के. फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं. पहला पार्ट है 48 ग्राम ऑक्सीजन गैस. तो फर्स्ट पार्ट 48 ग्राम O2, आपको बताना है नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन गैस यानी O2. तो हम लोग जब भी वेट की बात करेंगे, यानी यहां पर ग्राम आ रहा है, तो हम लोग उस कंपाउंड के मॉलिकुलर मास की बात जरूर से करेंगे. ऑल्दो डायरेक्ट फॉर्मुला इज अवेलेबल, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का ट्रिकी फॉर्मूला मुझे मालूम है, लेकिन आप 10th में उसको इस्तेमाल नहीं करें तो आपके लिए अच्छा होगा. तो 48 ग्राम O2 के लिए नंबर ऑफ मोल बताने, अगर मैं मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन आपसे पूछता हूं तो 16 टू जा 32 आप बताएं. इट मींस इसका मतलब होगा सिंस 32 ग्राम ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1 मोल. आप इसी वाले मेथड को इस्तेमाल करें अगर आप क्लास 10th में है,
तो अच्छा है. देयरफोर 48 ग्राम ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होगी, 1 मल्टीप्लाइड बाई 48 डिवाइड बाई 32 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 टू जा और 16 थ्री जा, यानी 3/2 मोल. दिस विल बी द आंसर. बात समझ में आ रही है, ऐसे ही आप इसको सॉल्व करिए. सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहे हैं 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल. आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही. अगर आपके पास 18 ग्राम वाटर का मॉलिक्यूल है तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने होंगे. बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे. मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 + 16 इज इक्वल टू 18. ऐसे यहां से जो डायरेक्ट आंसर आ ही चुका है, 18 ग्राम वाटर इज इक्वल टू होगा 1 मोल ऑफ वाटर. यानी आंसर इसका होगा 1 मोल, क्योंकि 18 ग्राम के लिए ही आपसे पूछ रहे हैं, तो कोई फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं 22 ग्राम ऑफ CO2. इसको मैं थोड़ा रब कर दूं. थर्ड आपसे पूछ रहे हैं 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2. तो फिर से वही करेंगे, मॉलिकुलर मास हम लोग निकालेंगे CO2 गैस का. CO2 का 12 + 32 = 44. इट मींस सिंस 44 ग्राम अगर आपके पास CO2 है तो इसका मतलब आपके पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है. इफ यू हैव 22 ग्राम ऑफ CO2 देन यू हैव 1 × 22/44. इसको ठीक है. हाँ, तो दैट बिकम्स इक्वल्स टू, इधर लिख दे रहे हैं, कितना हो गया 22 यानी 1/2 मोल. दिस विल बी द आंसर. लेट्स टेक क्विकली फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट कह रहे हैं 51 ग्राम ऑफ अमोनिया, 51 ग्राम ऑफ अमोनिया. तो 51 ग्राम ऑफ अमोनिया फिर से वैसे ही करेंगे, मॉलिकुलर मास ऑफ अमोनिया कितना होगा, 14 + 3 यानी 17. इट मीन्स सिंस 17 ग्राम अगर आपके पास अमोनिया है तो इसका मतलब 1 मोल अमोनिया आपके पास है. सो आपके पास अगर 51 ग्राम अमोनिया है तो इट मीन्स 1 × 51 / 17. तो 17 थ्री जा 51, सो 3 मोल्स ऑफ अमोनिया आपके पास है. तो दीज आर द आंसर्स हाउ टू कैलकुलेट. आप क्वेश्चन को करते रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए. अगली नेक्स्ट क्विकली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी एक के बाद एक, और इसको हम प्लेलिस्ट में डालते रहेंगे. आपको एक क्विक रिवीजन के लिए, बढ़िया रिवीजन के लिए इस तरीके से मटेरियल मिलता रहेगा. आप थोड़े नोट्स भी बनाते रहे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, या फिर बीच बीच में रिवाइज करने के लिए कुछ भी वीडियोस को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं. तो कीप लर्निंग.